Dear students, welcome to my online tutorial. Class 7, subject SST, Physics section chapter 1, topics democracy, part 2, lecture number 46. Students, here are some words, please find out the meaning. Monarch, succeeded, advisors, dictatorship, absolute, seizing, I am gained. Okay students, please take 135 पेज. पहले वीडियो में हम डेमोक्रेसी यहाँ से शुरुआत कर चुके हैं. डेमोक्रेसी कहाँ का मीनिंग क्या है और ये ग्रीक वर्ड से आया है डेमोक्रेसिया से, ये सब देख चुके हैं. अब देखेंगे यहाँ से चैप्टर. इन ए मोनार्की द हेड ऑफ द रॉयल फैमिली इज द हेड ऑफ द नेशन. तो मोनार्की सिस्टम जो होता है उसमें जो राज परिवार का जो हेड होता है वही देश का भी हेड होता है. द मोनार्क, मोनार्क यानी कि किंग, द मोनार्क और द किंग और क्वीन इज सक्सीडेड बाय हिज और हर एल्डेस्ट रिलेटिव इन हेरेडिटरी सक्सेशन. इसमें होता क्या है कि राज परिवार से ही जो सबसे बड़ा लड़का होता है या लड़की होती है वही हेरेडिटरी सक्सेसर बनता है. ये अनुवंशिक होता है. जो परिवार में सबसे बड़ा होता है, राजा का बड़ा बेटा, वही बनता है. ये रानी की जो होते हैं, परिवार का जो एल्डेस्ट होता है वही सक्सेसर बनता है इस सिस्टम में. इन दिस सिस्टम द मोनार्क टेक्स डिसीजन एंड रन्स द गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर और एडवाइजर. इस सिस्टम में यानी कि मोनार्की सिस्टम में जो राजा या रानी होते हैं वो सरकार चलाते हैं स्मॉल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की सहायता से, या तो जो एडवाइजर्स होते हैं सलाह करने देने वाले उनकी सहायता से. द किंग और द क्वीन डजंट हैव टू एक्सप्लेन देयर एक्शन. इसमें जो राजा या रानी होते हैं मोनार्की में, उन्हें अपने एक्शन या राज के लिए जो काम करते हैं एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती है. नेदर डू दे हैव टू डिफेंड देयर डिसीजन इन फ्रंट ऑफ एनीबॉडी, और ना ही सबके सामने जो भी निर्णय लेते हैं उसको डिफेंड करना पड़ता है. उन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है. मोरक्को, सऊदी अरबिया एंड जॉर्डन हैव मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो अभी भी इन देशों में अभी भी मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. अगला टाइप ऑफ गवर्नमेंट है डिक्टेटरशिप, जिसको तानाशाह कहते हैं. इन ए डिक्टेटरशिप, तानाशाही में, पीपल हैव नो राइट एंड ऑल द पावर रेस्ट इन द हैंड्स ऑफ वन मैन. इसमें जहाँ पर डिक्टेटरशिप होती है, डिक्टेटरशिप की जो शासन होती है उसमें लोगों को के पास कोई अधिकार नहीं होते हैं, सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में पूरा अधिकार होता है. दैट इज़ देयर इज़ अ सिंगल रूलर विथ अब्सोल्यूट पावर, और एक ही सिंगल रूलर होता है और अब्सोल्यूट पावर होता है उसके पास, पूर्णतया अधिकार होता है. मोस्ट डिक्टेटर्स गेन पावर्स ईदर थ्रू ए मिलिट्री टेक ओवर और बाय सीजिंग लीडरशिप फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग रूलर. अधिकतर जो भी डिक्टेटर हुए दुनिया में वो अधिकतर सत्ता मिलिट्री की सहायता से लिया है, और सीज करके बंधक बना के जो वहाँ की गवर्नमेंट चुनी हुई सरकार थी उसको, उनके सभी लीडर्स को सीज करके बंधक बना करके सत्ता हथिया है. इन दिस सिस्टम सिटीजन्स कैनॉट रेज एनी क्वेश्चन अबाउट द गवर्नमेंट एंड इट्स मेथड ऑफ फंक्शनिंग. और इस तरह की जो सरकार होती है उसमें आम जनता, पब्लिक, कोई भी क्वेश्चन रेज नहीं कर सकती, कोई भी प्रश्न सरकार से नहीं पूछ सकती है. ए सिटीजन इज नॉट द मास्टर ऑफ हिज फेट एंड इज ऑलवेज एट द मर्सी ऑफ द डिक्टेटर. और इस तरह के गवर्नमेंट में जो सिटीजन होते हैं, जनता होते हैं, वो अपने भाग्य सिर्फ और सिर्फ डिक्टेटर की दया पर छोड़ देते हैं. जनरल परवेज मुशर्रफ ऑफ पाकिस्तान एंड सदाम हुसैन ऑफ इराक वेर एग्जाम्पल्स ऑफ डिक्टेटर्स. तानाशाह के उदाहरण में सदाम हुसैन इराक के और पाकिस्तान के परवेज मुशर्रफ का नाम आता है. ए डिक्टेटर इज़ ए रूलर हु हैज़ कम्प्लीट पावर ओवर ए कंट्री एंड द पावर हैज़ बीन गेन बाय फोर्स. ए डिक्टेटर इज़ ए रूलर, डिक्टेटर कौन है, एक रूलर है जिसके पास कंप्लीट पावर होता है, पूरी शक्ति होती है पूरे देश का,
एंड द पावर हैज़ बीन गेन बाय फोर्स, और ये अपना पावर या शक्ति फोर्सफुली ये प्राप्त करते हैं, बाय फोर्स प्राप्त करते हैं, गेन प्राप्त करना है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।